तो टुडे वी डिस्कस एरेडिकेशन ऑफ मोनार्की फ्रॉम द फ्रांस। ठीक है कि फ्रांस से मोनार्की का समापन किस प्रकार है। ठीक है, हाउ टू रिमूव द मोनार्की। तो द टेंस सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट ईयर्स ऑल्दो लुई XVI हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। He moved into secret neighboring negotiation with the king of Persia. तो हुआ क्या, जो लुई XVI था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया, मतलब उसने मान लिया ठीक है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही है। और उसके बाद जो है वो जो उसका पड़ोसी राजा था पर्सिया का, उसको रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री वर आल्सो अलार्म्ड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड प्रिपेयर्ड टू सेंड देयर आर्मी टू क्वेल द रेबेलियन दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस दिस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। बट बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो वह क्या है, जो पर्सिया या जो अन्य जो आसपास के पड़ोसी राजा थे उन्होंने अपनी सेनाएं फ्रांस में सहायता के लिए भेजी। लेकिन क्या हुआ कि 1792 में, अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली थी उसने वोटिंग की, और वोटिंग करने के बाद उसने ऑस्ट्रिया और पर्सिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स रश्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। और इसके अलावा हजारों सिंघान लोग जो है वो सेना को सेना में सम्मिलित होने के लिए आ गए। दिस एज ए वार ऑफ द कॉमन पीपल अगेंस्ट द मोनार्क। और ऐसा लोगों ने क्यों किया, क्यों आकर के उन्होंने फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि जो युद्ध है ये किसी देश का दूसरे देश के प्रति नहीं है, ये आम जनता का युद्ध किसके प्रति है, निरंकुश शासन के प्रति। वो इस बात को बताना चाहते थे कि ये युद्ध जो है वो आम नागरिकों का एक निरंकुश शासन या निरंकुश सत्ता जो है उनके प्रति है। इसलिए जो लोग थे वो आकर के फ्रांस की सेना में भर्ती होने लगे, जो वॉलंटियर्स जो थे, जो स्वयंसेवक। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद देश चौथ, दिस इज ए वार ऑफ द कॉमन पीपल अगेंस्ट द मोनार्क एंड एस्टोक्रेटी ऑल ओवर यूरोप। मार्सलेज कंपोज बाय द पोएट रोजेट डेल लासेल वाज अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दैट वर संग बाय देम। ठीक है, तो मार्सलेज ने गाना बनाया जिसे पहली बार गाया गया और यही बाद में फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया। ठीक है, इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सले एज दे केम टू पेरिस एंड सो गॉट इट नेम नाउ द मार्सले इज द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। ठीक है, और ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लांट एंड अपराइजिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वर एरिएटेड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेज ऑफ फूड। तो इसके बाद क्या हुआ, 1792 के जो गर्मियों के दिन थे उसमें जैकोबिन्स क्लब ने जो था उन्होंने प्लानिंग की कि जो पर्सियंस हैं, ठीक है, उनको जो कि खाने को कैसे दे रहे थे, बहुत कीमत, बहुत महंगी कीमतों में दे रहे थे, उनको एग्रीगेट किया जाए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th अगस्त द क्राउड स्टॉर्म द प्लेस ऑफ कलरीज मर्डर्ड द किंग गार्ड एंड हेड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रेशन द रॉयल फैमिली, न्यू इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव इंस्क्रिप्टेड देयर 12th got the right to vote। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो 10 अगस्त को ये जो आंदोलनकारी थे
उन्होंने चारों तरफ से किले को घेर लिया, राजा और उसके परिवार के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी उसने इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट किया, और वो सारे लोग जिन्होंने 21 साल के ऊपर जो थे, ठीक है, 21 साल से ज्यादा की जिनकी उम्र थी, और मैंने आपको बताया था इसके आधार पर दिया गया था वेल्थ के आधार पर, उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको राइट टू वोट दिया गया, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली बार रीनेम्ड एज द कन्वेंशन। अब जो नई जो असेंबली बनी, जो चुनी हुई असेंबली थी, उसको नाम दिया गया कन्वेंशन। द कन्वेंशन एवलेज्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज ए रिपब्लिक ऑन 21 सितंबर 1792। तो जो कन्वेंशन था उसने 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया, रिपब्लिक घोषित कर दिया। एज यू नो ए रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। आपको पता होगा कि जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। जो राष्ट्र का जो हेड होगा उसे जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की इन ए रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कोई भी मोनार्की या हेरिडिटी नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, ऐसा नहीं होता किसी के पिताजी हेड थे उसके बाद उनका पुत्र हेड होगा और उसके बाद उनका पुत्र हेड होगा, ऐसा नहीं होगा। मीन्स हेड की जो पोस्ट है वो वंशानुगत न होकर के कैसी हो जाएगी, इलेक्टेड हो जाएगी। मीन्स एक फिक्स टेन्योर के बाद, एक फिक्स समय के बाद, समयावधि के बाद वहां चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद उस राष्ट्र का हेड चुना जाएगा, ठीक है। द कोर्ट सेंटेंस लुई 16 टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेशन एंड वार, पब्लिकली एक्सक्यूटेड ऑन 21 जनवरी 1793 एट द प्लेस डीला कॉन्क्रेट हिज क्वीन मैरी एंटोनी वाज आल्सो एक्सक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर। इसके बाद क्या हुआ, जो कोर्ट था, न्यायालय था, उसने लुई 16 को मृत्युदंड दे दिया, और उसको पब्लिकली जनता के सामने जो है 21 जनवरी 1793 को मार दिया गया, हत्या कर दी गई उसकी, और कुछ समय बाद उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनी उसके साथ भी गई। फ्रांस एज रिपब्लिक एंड द रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रांस के रिपब्लिक की और वो आतंक के समय की, ठीक है। फिर वो रिपब्लिक तो बन गया, लेकिन उसके बाद फिर एक समय आया फ्रांस में जब फिर से आतंक का माहौल हो गया। हुआ क्या, मैक्समेलियन रोबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, नेता था, वो था रोबेस्पियर। और रोबेस्पियर ने क्या किया, ऑन 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने क्या किया, मोनार्की को हटा करके, विस्थापित करके उसकी जगह फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया। बट रोबेस्पियर वाज इलेक्टेड एज हेड ऑफ द रिपब्लिक गवर्नमेंट, और जो रोबेस्पियर था, जो जैकोबिन क्लब का हेड था, उसको हेड चुना गया फ्रांस का। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ इम्पोजिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेज एंड प्राइसेज, राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड वाज डन। तो रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने बहुत ज्यादा सीलिंग लगा दी, और किसके आधार पर लगाई, उसकी कीमत, प्राइसेज या इन सब के आधार पर सीलिंग की, ठीक है। और ऐसा उसने क्यों किया, जिससे कि लोगों को इजीली खाना मिल सके, भोजन मिल सके। फार्मर्स वाज कंपेल्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू द सिटी एंड सेल एट द प्राइजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। अब इसने क्या किया, सब कुछ इसने फिक्स कर दिया, और इसने किसानों से कहा कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने जो उत्पाद हैं उनको बाजार में लेकर जाएं और उसी कीमत पे बेचें जो कीमत सरकार ने निर्धारित की है। मीन्स आप सरकार के द्वारा निर्धारित की हुई कीमत पर बेचें। आज का MSP, जैसे आज क्या है MSP, MSP पे क्या होता है कि आप जैसे गेहूं लेके गए तो उसके लिए फिक्स्ड
प्राइस तक आप इस पे बेचेंगे, लेकिन एमएसपी का एक फायदा होता है कि आप उससे नीचे नहीं बेचेंगे, उससे ऊपर कितने में भी खरीद सकते हैं, उससे नीचे नहीं खरीदेंगे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ बिल्कुल फिक्स हो गया कि आप कितने में ही बेचेंगे, इससे ऊपर नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो प्राइस क्या कर दिए इन्होंने, फिक्स कर दिए, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या हुआ वो देखिए, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लर वाज ब्लू। इसके बाद जो कीमती जो सफेद आटा था उसको उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ऑल सिटीजन वर कॉल्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है, ए लॉफ मेड ऑफ होल व्हीट। तो इन्होंने क्या किया, जो सफेद आटा आ रहा था उसको तो इन्होंने कर दिया बैन, और इसके बाद इन्होंने कहा कि लोगों को, सारे लोगों को कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा आटा यूज करेंगे, जो पूरे गेहूं को, मतलब गेहूं के बिना छिलके को उतारे हुए पीसा जा रहा था, अब वही जो है आटा सब लोग यूज करेंगे। मीन्स इन्होंने समानता का व्यवहार ले आया इसके साथ। इक्वलिटी वाज आल्सो कॉल्ड टू बी प्रैक्टिसाइड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस फ्रॉम नाउ। और इसके बाद क्या हुआ, इन्हें सबके बीच समानता का अधिकार, मैंने आपको बताया ये समानता की वजह से था कि सब लोग एक जैसा खा रहे हैं, इन्होंने कहा सबको अपनी बात को कहने का समानता का अधिकार है, सब अपनी बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर सिटवाइन एंड सिटवाइनी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेजर मैन सर एंड मैडम। इन्होंने क्या किया कि जो सारे लोग जो थे पहले, वहां क्या था, मैन के लिए सर और वुमेन के लिए मैडम शब्द का यूज किया जाता था, तो इन्होंने कहा वैसा किसी के लिए यूज नहीं होगा, सबके लिए एक वुमन शब्द यूज होगा, वो है नागरिक, ठीक है। जितने भी मैन और वुमेन होंगे वो सब फ्रांस के नागरिक होंगे, सब समान होंगे, किसी के लिए स्पेशल ऑनर वाला कोई शब्द यूज नहीं किया जाएगा, सर और मैडम जैसे शब्द यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चर्चेज वार सेज एंड देयर बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू बैरक ऑफ ऑफिसर्स। इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो चर्च थे, चर्च की जो बिल्डिंग्स थी उनको सीज कर दिया गया, और सीज करके उनको चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, आर्मी के लिए बैरक में, ठीक है, सेना के लिए उनको चेंज कर दिया गया। इसके अलावा रॉबेस्पियर इम्प्लांटेड पॉलिसी सो प्रेजेंटली दैट इवन हिज सपोर्ट बिगन टू डिमांड सम मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा रॉबेस्पियर ने कुछ इस तरह की नीतियां लागू की जिससे कि फ्रांस का आधुनिकीकरण हो सके। एट लास्ट ही वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794। इसके बाद क्या हुआ कि 1794 में, 1794 में उसे भी बेटी घोषित कर दिया गया, मतलब देशद्रोही घोषित कर दिया गया, और उसे अरेस्ट कर दिया गया, अरेस्ट एंड सेंट टू गिलोटिन ऑन द नेक्स्ट डे। तो उसको 1794 में कोर्ट ने उसको गिल्टी घोषित किया, देशद्रोही घोषित करके अरेस्ट कर लिया, और अगले दिन उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या था, गिलोटिन दो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते थे, उसमें यहाँ एक ब्लेड लगा होता था, यहाँ सिर रखा, ब्लेड नीचे आया और अंदर अलग, ठीक है। और जो ग्लूटेन नाम जो था उसको जिसने बनाया था उन्हीं के नाम पे, डॉक्टर ग्लूटेन के नाम पे उसे ग्लूटेन नाम दिया गया था, ठीक है। और अच्छी बात यह थी जो डॉक्टर ग्लूटेन थे जिन्होंने बनाया था ग्लूटेन को, इनको भी इसी पर लगाया गया। तो द पीरियड बिटवीन 1793 एंड 1794 इज कॉल्ड द रीजन ऑफ टेरर, ठीक है। 1793 से लेकर के 1794 तक का जो समय था उसको आतंक का समय कहा गया। रॉबेस्पियर प्रोस्ट ए पॉलिसी ऑफ लेजेड कंट्रोल एंड पनिशमेंट। और क्यों कहा गया, उसका कारण ये था कि जो रॉबेस्पियर था उसने इस तरह की कठोर नीतियां बनाई जो बहुत ज्यादा कठोर थी, और उनका जो पालन नहीं करेगा उनको वो सजा देता था, ठीक है। All people whom he saw as being enemies of the Republic, ex-nobles and clergy members of other political parties, even member of his own party who did not support his method, were arrested.
क्या करता था ये अपनी नीतियों को नियंत्रित करने के लिए और लागू करने के लिए, कि जो भी देश के खिलाफ, या आप ये कह सकते हो कि जो भी उसे ऐसा लगता था कि ये रिपब्लिक का दुश्मन है, मीन्स फ्रांस का दुश्मन है, गणराज्य का, फ्रांस गणराज्य का, या वो लोग जो कुलीन वर्ग से थे या पादरी थे, या वो उसकी खुद की पार्टी के वो लोग जो उसकी नीतियों का विरोध करते थे, वो उनको देशद्रोही कह करके कि ये सब कौन हो गए, ये देशद्रोही हो गए, ठीक है, ये गिल्टी में गिल्टी है और इनको पकड़ लाओ, और अरेस्ट करके ऐसे लोगों को ग्लूटेन पे चढ़ा देता, ठीक है, ऐसे लोगों को मार देता, जो वो करता था वही उसके साथ हुआ लास्ट में एक साल बाद। तो इसीलिए ये जो समय था वो बहुत ज्यादा टेरर समय था, ठीक है, बहुत आतंक का समय था। तो एंड इनको देन ट्राइड हुए, हाँ, ट्राइड बाई ए रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लूटेन। द ग्लूटेन इज ए मशीन कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन इज बीहेडेड, इट वॉज नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर डॉक्टर ग्लूटेन, ठीक है, ये मैं बता चुका था। फिर आता है फ्रांस फ्रॉम रिपब्लिक रूल टू डायरेक्टरी, ठीक है, अब हम फ्रांस की बात करते हैं कहां से, रिपब्लिक से लेकर के डायरेक्टरी, ठीक है। तो पहले मोनार्की थी, मोनार्की का रिपब्लिक आया, रिपब्लिक में कन्वेंशन आए, कन्वेंशन के बाद हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्टरी की। हुआ क्या, ऐसा जैकोबिन गवर्नमेंट फेल, जब रॉबेस्पियर को सजा दे दी गई, मार दिया गया उसको, और जैकोबिन सरकार जो थी वो फेल हो गई, इट गेव अपॉर्चुनिटी टू द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर्स। अब इसने क्या हुआ, रॉबेस्पियर की जो सरकार फेल हुई उसके बाद इसने अपॉर्चुनिटी दी किसको, मिडिल क्लास को, वो मिडिल क्लास जिस अभी अभी जो धनी बनी थी, इसके पास अभी अभी धन आया था, उसको अपॉर्चुनिटी दी कि वो सारी शक्तियों का केंद्रीकरण किसके पास कर सके, अपने पास कर सके, ठीक है। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इशूड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपर्टराइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अभी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसने ये कहा कि नहीं, जो वोट था, जो पहले मैंने आपको बताया था कि वोट देने का अधिकार केवल पुरुषों को था, वो भी उन पुरुषों को था जो कम से कम इतना टैक्स पे करते हो जो एक मजदूर के तीन दिन की मजदूरी के बराबर है, मींस महिला और जो लोग नॉन टैक्स पेयर्स थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको वोट का अधिकार दे दिया, इन्होंने क्या, जो टैक्स देते हैं वो भी देंगे, मेल और फीमेल सबको वोट का अधिकार दे दिया, ठीक है। इट एस्टैब्लिश टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन्होंने दो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की, जो दोनों कैसे थी, चुनी हुई थी, दी देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, और ये जो दोनों लेजिस्लेटिव थी जो चुनी हुई, जो चुने हुए सदस्य थे जनता के, ये क्या करेंगे, ये एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होगा जिसे ये अपॉइंट करेंगे, और ये कितने थे, ए फाइव मेंबर्स एग्जीक्यूटिव। ए डायरेक्टरी वाज फॉर्म टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन। तो ये जो दोनों लेजिस्लेटिव थे ये क्या करेंगे, इनमें से पांच सदस्यों को चुना जाएगा और वो अब सारी व्यवस्था में दिखेंगे। ऐसा इन्होंने इसलिए किया किसी एक व्यक्ति के अंदर सारी शक्तियां समाहित न हो, ठीक है, जैसा कि पहले हुआ था जब हमने देखा कि रॉबेस्पियर ने क्या किया, उसने रिपब्लिक तो घोषित कर दिया लेकिन सारी शक्तियों का उपयोग किसने किया, एक व्यक्ति ने। तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति में सारी शक्तियां न, एक व्यक्ति उपयोग कर सके, समाहित न हो, उसके लिए क्या करेंगे, हम पांच लोगों की डायरेक्टरी चुनेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कंसल्टेशन वन में एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स, बट द डायरेक्टर्स ऑफन क्लेश लेफ्ट विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेकिन हुआ क्या, जो डायरेक्टर्स थे उनका लगातार लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ मतभेद चलते रहते थे, हु देम आस्क्ड फॉर देयर डिसमिसल, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी रिजल्टेड इन द इमरजेंसी ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब हुआ क्या, ये जो आपकी जो डायरेक्टरी थी इसके बीच जो मतभेद चल रहे थे, इन मतभेदों के कारण
इन्होंने एक नए व्यक्ति को मौका दे दिया और वो था आर्मी डिक्टेटर। ठीक है, सेना को इन्होंने तानाशाह बनने का मौका दे दिया। देखिए निरंकुश से छूटे थे और वापस निरंकुश पे ही आ गए, राजतंत्र से छूटे और तानाशाही पे आ गए। ठीक है, डिक्टेटर हो गए। अब हुआ क्या, चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टेट, ऐसा हुआ। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसके बाद यहाँ का डिक्टेटर। अब हम कुछ जो दे रहे हैं इसके बाद आपके जो टॉपिक है वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव रहे। तो सबसे पहला जो प्रभाव रहा, चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट थी उसकी पोजिशन चेंज हो गई। क्योंकि पहले क्या था, बिफोर द रेवोल्यूशन द सोसाइटी ऑफ फ्रेंच इज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट। फ्रांस रिवॉल्यूशन से पहले जो सोसाइटी थी, जो समाज था वहां का, वो कितने स्टेट में डिवाइड था, थ्री स्टेट में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और इसमें जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थी एंजॉयड द पावर्स, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थी वो सारी शक्तियों का आनंद ले रही थी, जबकि थर्ड स्टेट जो थी वाइल द थर्ड स्टेट पेड द टैक्स, तीसरी स्टेट जो थी वो टैक्स पे करती थी, मतलब जो मजे लेते थे वो टैक्स नहीं देते थे, जो टैक्स देते थे बेचारे उनके पास मजे नहीं थे, क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी, पावर भी नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम थे, लैंड कम था, टैक्स ज्यादा थे। ठीक है, द थर्ड स्टेट कंसिस्टेड ऑफ पीजेंट, आर्टिसियंस, लेबरर्स, बिजनेसमैन, ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स। दीज पीपल ऑफ थर्ड स्टेट सफर्ड द मोस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन, द थर्ड स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट। तो जो थर्ड स्टेट थी जिसका लगातार शोषण होता जा रहा था, क्रांति के बाद सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं को हुआ, क्योंकि थर्ड स्टेट ने क्रांति की थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो किसको हुआ, थर्ड स्टेट को हुआ। अब फायदा क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन द थर्ड स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट बिकॉज द पावर केम इन टू द हैंड ऑफ द पीपल टू री इनक्वेस्ट पावर एंड हेंस लॉस्ट द एयर प्रिविलेज। अब क्या हुआ, जो सारी पावर्स थी वो किसके हाथ में आ गई, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से छूट करके आ गई थर्ड स्टेट का। ठीक है, और इन शक्तियों का जो थर्ड स्टेट को जो मिली उससे फायदा क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो जन्म से जो अधिकार मिले हुए थे उनको इन्होंने सीमित कर दिया या खत्म ही कर दिया। ये मान लो दीज वर डिसअपॉइंटेड द मोस्ट विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। इन सबको जो है क्रांति के बाद इन सबको डिसअपॉइंटेड कर दिया गया, इनके पदों से हटा दिया गया। दूसरा इम्पैक्ट जो रहा वो था पीपल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए फ्रांस की जनता पर इसका प्रभाव पड़ा ही, कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट से जाकर के सबकी थर्ड स्टेट को आ गई। इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो विश्व पे इसका ये प्रभाव पड़ा कि आसपास के लोग जो थे, जो मोनार्क थे वो तो डर गए, उनको लगा कि अब जो है हर जगह की जनता क्या करेगी, रिवॉल्यूशन करेगी और हमसे हमारी शक्तियों को ले लेगी। ठीक है, और दूसरा लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो मोनार्की है उसे हम खत्म कर सकते हैं। तो द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस पुट ग्रेट इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी। मैंने आपको बताया हुआ क्या कि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो जो आसपास या विश्व के जो अन्य देश थे वहां के लोगों को डेमोक्रेसी और राइट्स का पता चला कि हम राइट्स को हम भी ले सकते हैं। मीन्स थर्ड स्टेट के या जो अन्य देशों में जो लोग जो लोअर क्लास होगी वो भी शक्तियों का केंद्रीकरण कर सकती है, मीन्स उनको भी समानता के अधिकार मिल सकते हैं, उनको भी फ्रीडम मिल सकता है, लिबर्टी मिल सकती है और डेमोक्रेटिक राइट्स मिल सकते हैं। द फ्यूडल सिस्टम प्रेजेंट इन अदर कंट्रीज वर एबोलिश्ड, और जो फ्यूडल सिस्टम है उसको हम हटा सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। द लीडर्स ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज टुक इंस्पायरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लीड द रिपब्लिक टू द पाथ ऑफ फ्रीडम। दूसरा ये हुआ कि कॉलोनी जो थी, जो कॉलोनी वाले देश थे वहां के लोगों को ये प्रोत्साहन मिला कि हम भी इनको हटा करके अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी लागू कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा इसी से प्रभावित होकर के जैसे आपने देखा हुआ टीपू सुल्तान भारत की वो जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गए, ठीक है, और उन्होंने श्रीरंगपत्तनम में एक मित्रता का पेड़ भी लगाया था, शांति का पेड़ भी लगाया था, जैसे राजा राममोहन राय। बट ये दो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने क्या किया, इनके आइडियाज को लिया, मीन्स फ्रांस के रिवॉल्यूशन से जो आइडियाज थे उनको लिया और उन्होंने बात की कहा भारत में स्वतंत्रता और समानता की या रिपब्लिक की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।